मैं बॉबी झा MNS न्यूज आई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आजम खान पर दूसरी बार लगा बैन, अब 48 घंटे तक नहीं कर पाएंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक और झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आजम खान को बुधवार सुबह 6 बजे से शुरू होने वाले चुनाव प्रचार के लिए 48 घंटे के लिए रोक लगा दी। इससे पहले उन पर 3 दिन के लिए रोक लगा दी थी। आजम खान पर चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और सांप्रदायिक टिप्पणियां करने के मामले में पाबंदी लगा दी है। आयोग का मानना है कि आजम खान ने अपने सार्वजनिक भाषणों में जिला चुनाव मशीनरी के खिलाफ और धार्मिक कर्ज पर अत्यधिक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें चुनाव को ध्रुवीकरण करने की प्रवृत्ति है जो केवल उस क्षेत्र तक ही सीमित है जहां बयान दिया गया है, बल्कि इस डिजिटल युग में चुनाव के तेजी से प्रचार के कारण अन्य भागों में इसकी पहुंच है। चुनाव आयोग से PM नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। चुनाव आयोग ने PM नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। चुनाव आयोग के अनुसार PM मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। कांग्रेस ने आयोग से PM मोदी की शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने कहा 1 अप्रैल को महाराष्ट्र के वर्धा में PM नरेंद्र मोदी के भाषण में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत के संबंध में आयोग का विचार है कि इस मामले में किसी तरह का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। दरअसल कांग्रेस ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के आदर्श आचार संहिता का कथित उल्लंघन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग को निर्देश देने का आग्रह किया था। गुजरात BJP प्रमुख जीतूभाई वाघानी को चुनाव आयोग का झटका, प्रचार करने पर 72 घंटे की रोक लगाई। चुनाव आयोग ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए गुजरात BJP अध्यक्ष जीतूभाई वाघानी पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। यानी कि 2 मई की शाम 4 बजे तक गुजरात BJP अध्यक्ष जीतूभाई वाघानी किसी भी तरीके का चुनावी प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 अप्रैल को सूरत के अमरोली में अपने चुनाव अभियान के दौरान जीतूभाई वाघानी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके लिए चुनाव आयोग के पास शिकायत की गई है। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए एक साथ तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुए थे। गुजरात की गांधीनगर संसदीय सीट से इस बार चुनावी मैदान में BJP अध्यक्ष अमित शाह है। चुनाव आयोग ने इससे पहले BJP के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी चुनाव प्रचार के लिए रोक लगाई थी। तो MNS न्यूज ऐप की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।